देख सकते हैं यहाँ से। ये जी है लाहौर का इलाका, ये मेट्रो स्टेशन है सामने। यहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह के वक्त, और एक नॉर्मल दिन है इस तरह का दिन होता है हर जगह पे। लोग अफरा तफरी में अपने अपने कामों पे लगे हैं, ये दिन है नॉर्मल। लोग ट्रैफिक की बेहंगम तरतीब में चले जा रहे हैं अपने अपने कामों की तरफ, जो जो उनके काम हैं अपने, आज जो रूटीन है लोगों की वो फॉलो कर रहे हैं लोग। सामने मेट्रो स्टेशन है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कैंची अमर सद्दू के पास। ये जो रास्ता है इस तरफ ये कलमा चौक की तरफ जाएगा, और ये मेट्रो आप देख सकते हैं, मेट्रो बस जा रही है। काफ़ी अच्छी सर्विस है मेट्रो की, मेट्रो सर्विस बेहतरीन सर्विस है, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। और ये किसी सियासी उसकी बिना पर अगर हम देखते हैं तो फिर तो ये हमारे लिए किसी मायने में नहीं आती, लेकिन अगर एक अवामी तौर पे देखा जाए तो इसके ऊपर आवाम का पैसा लगा हुआ, अवामी तौर पे ये अच्छी सवारी है। गरीब बंदा भी इस पर जहाँ तक जाना चाहे वो बैठ के जा सकता है। तो हुकूमत ने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है आम आवाम के लिए, ये शंघाई पुल बनाया हुआ है। ये जी गोल पुल है बिल्कुल शंघाई की तरह, अब ये शंघाई की तर्ज में इसलिए कहा गया क्योंकि जो चाइना के शहर है शंघाई, उसमें शायद इसी तरह के पुल होते हैं, तो इस बिहाफ पर इसे शंघाई पुल का नाम दिया गया। यहाँ पर आम आवामी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिल पर, रिक्शों पर और बसों पर सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्शे काफ़ी कसीर तादाद में नज़र आ रहे हैं, सब्ज रंग के जो रक्शे हैं, काफ़ी ज़्यादा रक्शे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अवामी आम अमूमी तौर पर जो लोग गरीब बंदे हैं वो रक्शों में सवारी करते हैं। ये जी लोकल ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट आपको नज़र आ रही है। ये है कि सुबह के 11 बजे का अहवाल लाहौर का, लाहौर की रौनक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढोल वाले जा रहे हैं अपने ढोल लेकर, बड़ी तेज़ी से इधर देखें स्टूडेंट साहब किस तरह कट मारते हुए जा रहे हैं। अगर इनको कोई अभी थोड़ी सी कट मार दे तो ये कितने लोगों का नुकसान करेंगे। देख सकते हैं कि इस बच्चे को ये देखें किस तरह ये गाड़ी को कट मार के निकल रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या बनेगा इसका, तो एहतियात करनी चाहिए सब बच्चों को, ये ऐसे ना करें। लगता है हेलमेट की पाबंदी आवाम पर ज़्यादा असर नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो बग़ैर हेलमेट के नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने हेलमेट पहने हैं। खातून भी देखें, आप देख सकते हैं गाड़ी लेकर जा रही है,